दिस इज ज्योत्सना एंड यू आर वॉचिंग मैथ्स इन्फिनिटी चैनल. आज जो मैं बात करने आई हूँ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज द अनाउंसमेंट विच इज रिलेटेड टू योर एग्जामिनेशन सिस्टम. यस, सीबीएसई ने कल ही अनाउंस किया है आपका एग्जामिनेशन सिस्टम विच इज गोइंग टू बी चेंज कम्प्लीटली. पहले क्या होता था यार, एक टर्म, सिर्फ एक टर्म फाइनल में एग्जाम्स होते थे. अरे स्कूल टर्म लेता था लेकिन बोर्ड सिर्फ एक बार एग्जाम लेता था. अब की बार ये पहली बार ऐसा हुआ है कि बोर्ड यार दो बार एग्जाम्स ले रहा है. यस, दैट इज टर्म वन एंड टर्म टू. अब आपका जो सिलेबस है वो 50-50% में डिवाइड हो गया है. सीबीएसई ने अभी तक ये रिवील नहीं किया यार 50% में कौन सा सिलेबस आ रहा है पहली टर्म में और कौन सा सिलेबस सेकेंड टर्म में आ रहा है. अभी इस बात का यू नो अनाउंसमेंट होना बाकी है और जैसे ही होगा आई विल लेट यू नो. अभी तो हम बात करते हैं कि आपके एग्जाम्स कैसे होने वाले हैं. आपके एग्जाम्स दो टर्म्स में डिवाइडेड हो रहे हैं. एक तो हो रहा है नवंबर दिसंबर, दैट इज नवंबर दिसंबर 2021 में, और जो सेकेंड टर्म है दैट इज गोइंग टू बी हेल्ड इन मार्च अप्रैल 2022. अच्छा, ये जो दोनों एग्जाम्स हैं बिल्कुल अलग होंगे. पहला जो टर्म वन है वो सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज है. 90 मिनट्स का पेपर होगा, ओनली एमसीक्यूज. एमसीक्यूज आर नॉट यू नो जो नॉर्मली हम एमसीक्यूज बनाते हैं वो भी क्वालिटी है उसके अंदर. केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आएंगे आपको एंड ऑल्सो यू नो असर्शन टाइप रीजनिंग टाइप क्वेश्चन भी आएंगे आपको. बिल्कुल 90 मिनट्स का क्रक्स पेपर होगा और ओएमआर शीट के ऊपर होगा. और अगर हम टर्म टू की बात करें ये फुल फ्लैश यू नो पेपर होगा जिसके अंदर लॉन्ग आंसर टाइप शॉर्ट आंसर टाइप ओपन एंड क्वेश्चन केस स्टडी क्वेश्चन सब तरह के क्वेश्चन होंगे. एंड दिस इज ऑल्सो यू नो अनाउंस किया गया है कि अगर सिचुएशन ऐसी ही रही नॉर्मल नहीं हो पाए हम देन दिस कैन बी द पॉसिबिलिटी कि 90 मिनट्स का एक और एमसीक्यू एग्जाम सीबीएसई इज गोइंग टू कंडक्ट इन द टर्म टू इन एडिशन विद द प्रीवियस वन. मतलब आपका जो लॉन्ग एग्जाम्स है और उसके साथ एक एमसीक्यू सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों तरह के एग्जाम्स आपके टर्म टू में हो, दिस कैन बी द पॉसिबिलिटी. अच्छा, अब ये जो टर्म टू में आपका एग्जाम होने वाला है जिसमें लॉन्ग आंसर टाइप शॉर्ट आंसर टाइप केस स्टडी एंड ये सब तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये 2 घंटे का एग्जाम होगा. सो दिस इज ऑल अबाउट द टर्म वन एंड टर्म टू. लेकिन सीबीएसई ने और भी बहुत तरह के अनाउंसमेंट्स किए हैं रिलेटेड टू योर एग्जामिनेशन सिस्टम. सो ट्राई टू वॉच द वीडियो टिल एंड ताकि आपके सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी का आंसर आपको मिल सके. सेकेंड जो अनाउंसमेंट की गई है दैट इज रिलेटेड टू योर सिलेबस. द सिलेबस फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशंस 2021-22 will be rationalized. Rationalized means reduce कर दिया जाएगा. Yep. अब क्या किया जाएगा, कितना किया इसके बारे में नहीं बताया लेकिन एक सेंटेंस लिखा हुआ है वो मैं पढ़ के बताती हूँ आपको. सिमिलर टू द लास्ट अकेडमिक सेशन, तो जो लास्ट अकेडमिक सेशन था जैसे उसमें रिड्यूस किया गया हो सकता है वैसे ही रिड्यूस किया जाए दिस ईयर भी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी. तो द थर्ड अनाउंसमेंट जो हुई है वो ये हुई है कि एफर्ट्स विल बी मेड टू मेक द इंटरनल असेसमेंट. आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं, आपको जो टीचर्स काम देते हैं प्रैक्टिकल्स देते हैं वो जो सारे प्रोजेक्ट्स प्रैक्टिकल्स हैं उसको ज़्यादा यू नो क्रेडिबल और वैलिड बनाने की तैयारी हो रही है. और उसके जो मार्क्स हैं इमीडिएटली ऑन द सीबीएसई पोर्टल पे साथ के साथ ही अपलोड कर दिए जाएंगे. सो आपको इस पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है, टू गिव मोर इम्पॉर्टेंस टू दीज थिंग्स ऑल्सो. ज़्यादातर बच्चे इंटरनल एग्जाम्स को असेसमेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते है ना, तो ट्राई टू गिव सम मोर यू नो इम्पॉर्टेंस टू दीज एग्जाम्स ऑल्सो. एंड ऑल्सो आपका जो होल जो भी टाइम पीरियड है उसमें 3 पीरियडिक टेस्ट भी होंगे. इन दिस होल ईयर यू आर गोइंग टू गिव 3 पीरियडिक टेस्ट प्लस 1 टर्म एग्जाम, फर्स्ट टर्म इन नवंबर दिसंबर, सेकेंड टर्म दैट इज इन मार्च अप्रैल. तो ये सारा कुछ आपको देना पड़ेगा. एंड एग्जाम विल बी कंडक्टेड, दिस इज द थर्ड अनाउंसमेंट कि भैया जो एग्जाम्स हैं दैट विल बी कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ एक्सटर्नल सेंटर सुपरिंटेंडेंट्स एंड ऑब्जर्वर अपॉइंटेड बाय द सीबीएसई. मतलब अब आपके स्कूल टीचर आपको ऑब्जर्व नहीं करेंगे, अब सीबीएसई अपॉइंट करेंगे अपने खुद के टीचर्स, खुद के सुपरवाइजर जो आपको सुपरवाइज करेंगे जब आप एग्जाम्स दे रहे होंगे. तो दे विल बी ट्रेंड, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, ठीक है. नेक्स्ट, रिस्पॉन्सेज विल बी कैप्चर्ड ऑन ओएमआर शीट्स. तो जो भी आपके रिस्पॉन्सेज होंगे आंसर्स होंगे वो ओएमआर शीट पे कैप्चर्ड कर लिए जाएंगे एंड दे विल बी अपलोडेड ऑन द स्कैंड एंड अपलोडेड ऑन यू नो सीबीएसई वेबसाइट. एंड द नेक्स्ट अनाउंसमेंट इज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि भैया जो मार्क्स वन के टर्म वन के जो एग्जाम्स जो भी मार्क्स आएंगे वो एडअप हो जाएंगे, दैट विल बी क्यूमुलेट इन अ टर्म टू एग्जाम, वहां पे एड ऑन हो जाएंगे.
अब ये तो हो गया अनाउंसमेंट, दिस इज ऑल. लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सीबीएसई ने चार सिचुएशंस बताई हैं. चार सिचुएशन कौन कौन सी हैं? ऐसा भी हो सकता है कि दोनों एग्जाम्स आपको घर से देने पड़े, स्कूल क्लोज हो, ऐसा हो सकता है ना. दिस कैन बी द पॉसिबिलिटी कि पहले एग्जाम तो स्कूल में दिए जा सके और दूसरे जो टर्म टू है उस वक्त सिचुएशन खराब हो जाए, यू हैव टू बी एट योर होम, और द वाइस वर्सा, दैट फर्स्ट एग्जाम यू कैन गो इन द स्कूल एंड द लास्ट वन यू हैव टू गिव एट होम. क्योंकि हो सकता है ऐसे पैंडेमिक इससे हम ना उभरें कि लास्ट में कुछ थर्ड वेव वगैरह आ जाए, ऐसा हो सकता है. एंड दिस कैन बी द पॉसिबिलिटी कि भैया स्कूल बिल्कुल ओपन आ जाए, कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, हम इससे यू नो इट्स गोइंग टू बी ऑन नवंबर दिसंबर, तब तक सब कुछ सही हो जाए, बैक टू द नॉर्मल, तो आपको सारे एग्जाम्स बाहर स्कूल्स में देने पड़े. तो इन सब सिचुएशन में आपकी असेसमेंट कैसी होगी, क्या वेटेज होगी, इसके बारे में भी सीबीएसई अनाउंसमेंट की है. योर फर्स्ट केस, इस केस में अगर हम इस पैंडेमिक ये जो यू नो सिचुएशन है, कोविड पॉजिटिव सिचुएशन, इसको इम्प्रूव कर जाते हैं, दोनों तरह के एग्जाम्स अगर हम बाहर स्कूल्स में या किसी एग्जामिनेशन सेंटर में दे पाते हैं, सो इस केस में जो वेटेज होगी टर्म टू और टर्म टू की बिल्कुल इक्वली होगी. लेकिन इफ देर इज अ थिंग कि भैया जो पहले टर्म के एग्जाम्स हैं आप घर से दे रहे हो और सेकेंड टर्म के एग्जाम्स आप स्कूल से दे रहे हो या किसी और एग्जामिनेशन सेंटर से दे रहे हो, तो वेटेज जो आपकी टर्म वन की है वो कम हो जाएगी और वेटेज जो आपकी दूसरी टर्म टू की है वो बढ़ जाएगी. एंड द वाइस वर्सा, अगर पहले वाले एग्जाम अगर आप बाहर दे रहे हैं किसी स्कूल या किसी सेंटर में दे रहे हैं और सेकेंड एग्जाम आपको घर से देना पड़ रहा है पूरा सब्जेक्टिव पेपर, तो वेटेज जो आपकी सेकेंड टर्म के एग्जाम्स की होगी वो कम कर दी जाएगी और फर्स्ट जनरल एग्जाम्स की बढ़ा दी जाएगी. और जो चौथी सिचुएशन है जिसमें स्कूल आपका बंद है, लाइकवाइज द प्रीवियस ईयर, जो प्रीवियस ईयर में हुआ था बिल्कुल यार स्कूल बंद थे, आपने सभी पेपर्स घर से दिए, तो अगर ऐसी सिचुएशन आई देन योर वेटेज ऑफ योर मार्क्स आर इक्वली बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग किस किस के बीच में, योर इंटरनल असेसमेंट या योर यू नो प्रैक्टिकल्स, प्रोजेक्ट वर्क, थ्योरी मार्क्स ऑफ योर यू नो आपके जो टर्म टू के मार्क्स होंगे, टर्म वन के मार्क्स होंगे, सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी. ठीक है, सो दैट इज वॉट यू नो जो सीबीएसई ने अनाउंसमेंट किया है कल. एंड बच्चा पार्टी, अगर कोई भी इससे रिलेटेड कोई और अनाउंसमेंट होती है डेफिनेटली आई विल अपडेट यू, बट फॉर दिस यू हैव टू सब्सक्राइब दिस चैनल, सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी अपडेट्स होते हैं मैं आपको पूरी तरह से दे सकूँ. ठीक है, थैंक यू फॉर दिस मच, बाय शाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ.